गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनिलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने जीएसटी से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किया था, साथ ही साथ कुछ सवाल भी सॉल्व किए थे जो आपकी किताब से ही था। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम मुनिलाल शाह है और मैं झारखंड से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 2 दशक से SDN एकेडमी में पढ़ा रहा हूं और आई कैन टीच मल्टीपल सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स के साथ साथ मैं इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूं, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों के लिए मैथ का जो है सिलेबस कवर करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट टॉपिक का जो कुछ सवाल था मैंने सॉल्व किया था जीएसटी टॉपिक से, और आज कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। तो एक बार मैं सबका वेलकम करता हूं और डियर स्टूडेंट्स जो आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट टूडेज वीडियो एंड यू कैन सी द क्वेश्चन इज हियर। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एट फर्स्ट read this question. Anil went to a shop to buy a bicycle costing rupees 10,620. The rate CGST is 9%. The rate of, you can say here, of CGST is 9%. He asks the shopkeeper to reduce the price of the bicycle to such an extent so that he has to pay rupees 10,620 inclusive GST. Find the reduction needed in the price of the bicycle. Dear students, थोड़ा सा ये question typical लग रहा है। यहां पर आपको क्या कहा कि एक अनिल नाम का लड़का है, वो शॉपकीपर के पास गया और उसने कहा साइकिल की कीमत दुकानदार ने बताई है उसे 10,620, ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी बता दिया सीजीएसटी, नॉट जीएसटी, सीजीएसटी 9%। तो अनिल ने कहा भाई क्या आप कुछ इतना कम कर दो, रेट साइकिल का कॉस्ट इतना घटा दो कि मुझे इंक्लूसिव जीएसटी यानी जीएसटी के साथ साथ जीएसटी सहित जो है मुझे इतना ही पैसा देना पड़े, इतना ही रुपया देना पड़े। तो आपको बताना है कि वह रिडक्शन कितना करेगा दुकानदार। बड़ा सिंपल है, आप रिडक्शन को एक्स मान सकते हो और उसके बाद जैसे आप बनाते हैं, जैसे देखिए हम लोग क्या मानेंगे, लेट द रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स कमी, बी रुपीज एक्स। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको सवाल, यदि कुछ डाउट रह गया तो। यानी दुकानदार जो है, साइकिल दुकानदार, उसने साइकिल की यह कीमत रखी है और जो भी आदमी साइकिल लेगा उसे क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी 9%।
तो सीजीएसटी जब 9% है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर ध्यान देना, केवल जीएसटी रहता तो 9% ही लगता, यहां पर सीजीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है 9%। तो यह साइकिल अब जिस स्टेट में बिक रही होगी, जाहिर सी बात है ये इंट्रा स्टेट का मामला है, इंट्रा स्टेट सेल होगा, ठीक है, तो जिस स्टेट का दुकानदार है उस स्टेट का ये परचेजर भी है। तो यहां पर सीजीएसटी जब 9% है तो एसजीएसटी भी 9% देना होगा डियर स्टूडेंट्स, इसे याद रखना है। कहने का मतलब कुल मिलाकर के जो जीएसटी बनेगा 9+9 18% का बनेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो रिडक्शन कितना करेगा, हम मान लेते हैं कि रिडक्शन कर दिया उसने रुपीज एक्स, तो रिडक्शन करने के बाद अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इससे तो इतना कम हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखिए, देन एसपी ऑफ द बाइसिकल, अब बाइसिकल की एसपी हो जाएगी रुपीज 10,620 माइनस एक्स, ये एसपी हो जाएगी उसकी, और इसी अमाउंट पर अब उसको जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा 18%, ठीक है, तो आप अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है, सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इक्वल टू 9%, देयरफोर जीएसटी इक्वल टू 18%। तो जीएसटी बनेगा कितना, देयरफोर जीएसटी ऑन ऑफ, या जीएसटी खाली आप लिखिए, या टोटल जीएसटी कंपनी जीएसटी हो जाएगा आपका 10,620 माइनस एक्स इंटू 18/100, ये आपका जीएसटी हो जाएगा। अब क्या करना है, ये वाला अमाउंट इसमें प्लस करना है, और उसके बाद वही साइकिल की कीमत हो जाएगी जो कि इसके बराबर होगा, क्योंकि वह चाहता है कि इसी रेट में इसी अमाउंट में हमें साइकिल मिल जाए। तो ये रिडक्शन के बाद एसपी है, और उसमें ये वाला पैसा भी आपको जोड़ देना है, ये वाला अमाउंट, और तब वह किसके बराबर होगा, 10,620 के बराबर हो जाएगा। तो आपको एक इक्वेशन यहां पर फ्रेम करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल इंक्लूसिव जीएसटी इज इक्वल टू 10,620 माइनस एक्स प्लस 10,620 माइनस एक्स इंटू 18/100, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसको कॉमन कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 10,620 माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो आपके पास बचेगा 1+18/100, एंड दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू दिस एज पर क्वेश्चन। अब आप कर लेंगे एज पर क्वेश्चन, दिस अमाउंट 10,620 माइनस एक्स इंटू 1+18/100 विल बी इक्वल टू 10,620। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसे सॉल्व कर लेंगे, और यदि दिक्कत हो रही है तो मेरे पास तो स्पेस की दिक्कत है, चलिए मैं इस जगह एक बॉक्स में आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं।
इसको डियर स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करेंगे 118/100 होगा, जिसको हम उस तरफ भेज देंगे। देखो 10 620 - x विल बी इक्वल टू 10 620 × 100 हो जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, और 118 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है और x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 118 और यहां है 10 62 0, इससे इसको आप कटाइएगा। मान लीजिए 2 से कटा दिए, 2 5 जा 2 9 जा 59 हो गया, और स्पेस थोड़ी सी कम है तो 2 5 जा यहां लिखता हूं मैं 31 यहां आ जाएगा और 0 आ जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां 5310 यानी बिल्कुल हाफ कर दिया इसका। अब 59 से ये नंबर कटना चाहिए यानी कैंसिल होना चाहिए। तो आप देखो 9 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को रफ में मल्टीप्लाई करना, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 और 8 35 35 में 3 कैरी आएगा, 9 5 जा 45 और 5 तो हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 5 जा 45 और 8 53, तो एग्जैक्ट इतना ही आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। ये 9 टाइम्स में पूरा कटेगा और ये 0 जो है आपका यहां पर रह जाएगा। तो कुल मिलाकर डियर स्टूडेंट्स इसका वैल्यू आएगा, आप देखना 10 620 - x विल बी इक्वल टू 90 × 100 यानी 9000 ये आ जाएगा। अब आपको x फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, तो x फाइंड करने में कोई दिक्कत आपको अब नहीं आएगी। x फाइंड करने के लिए क्या करना है, x को आप इस तरफ लाएंगे, इसको इधर भेज देंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 10 620 - 9000 तो बिल्कुल सिंपल सा आ गया आंसर आपका 1620। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आंसर आया, यानी कितना रिडक्शन करना है, 1620 का रिडक्शन करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ खास नहीं है। मैन इसमें क्या था, एक ट्रिक था कि रिडक्शन जो किया गया है वह छिपा लिया गया है आपसे, रिडक्शन को पता लगाना था। और यहां पर CGST दे दिया गया है, आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। यदि आप केवल 9% लेकर के चलेंगे तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि CGST मतलब सेंट्रल GST होता है डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना होगा आपको। यही यहां पर ट्रिक छिपा हुआ था कि जनरल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बाय मिस्टेक 9% ही यहां पर ऐड करेंगे GST, जबकि GST ऐड होगा 18%, क्योंकि 9% तो केवल सेंट्रल का हुआ, तो SGST फिर चाहिए 9%, इसलिए 9 और 9 को प्लस करके GST बनेगा 18%, यही आपको ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट सवाल पे आता हूं। का सवाल, द सेल्स प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, आप थोड़ा सा यहाँ ए लगा लीजिए, ऑफ ए वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव GST इज रूपीज दिस, इफ SGST इज चार्ज
एट द रेट ऑफ 9% ऑफ द लिस्ट प्राइस एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। क्या कहा स्टूडेंट्स इसमें, कि वॉशिंग मशीन एक है उसकी जो इंक्लूसिव जीएसटी, उसमें जीएसटी भी ऐड किया हुआ है और जीएसटी लगा करके उसका ये कॉस्ट आ रहा है 28,320 और जीएसटी का एस जीएसटी का रेट दे रखा है आपको 9%। योर स्टूडेंट्स फिर वही ट्रिक यहाँ पर गेम खेला जा रहा है, एस जीएसटी लिखा हुआ है तो फिर सी जीएसटी भी 9% होगा, तो दोनों मिला लीजिए 9+9 8% आपको माइंड में रखना, 18% जीएसटी जो बनेगा इसमें 18%। ठीक है, ऑफ द लिस्ट प्राइस फाइंड द लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस आपको यहां पूछा, लिस्ट प्राइस मीन्स जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो आपको पूछ रहा है, क्योंकि डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है तो वही आपका सेलिंग प्राइस भी बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्केट प्राइस को मान लेते हैं, ले द मार्केट प्राइस देना है 18%। सीधी सी बात, जीएसटी हो जाएगा 18% ऑफ टैक्स, तो अब प्राइस जीएसटी विल बी एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स, तो कुल मिलाकर आपका हो जाएगा 118x अपॉन 100। और डियर स्टूडेंट्स दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू दिस, ये याद रखनी है। तो एज पर क्वेश्चन 118x अपॉन 100 इक्वल टू 28320, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत इजी है। 118x इक्वल टू 28320 इंटू 100 एंड फाइनली वी हैव x इक्वल टू 28320 इंटू 100 अपॉन 118। 118 से आप इसको कैंसिल करने का सोचो, कैसे कैंसिल होगा, तो आप देखो इसको 2 से पहले कटा दो 59 और इसको भी कटा देते हैं 2 से तो 40 60 0। अब 19 से इसको कटाना है, तो सोचो कितनी बार में जाएगा ये, 19 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कितनी बार में होगा, 9 4 36, देखो 4 टाइम्स में ये हो रहा है 59 को आप ऐसे रफ में डिवाइड कर लेना, थोड़ा नंबर बड़ा है तो 14160, तो 59 टू जा पहले खिला लेना 118 तो बचेगा यहाँ पर 11 में 83, यहाँ 3 में 12 23, अब आ गया 6, तो 4 टाइम्स में डियर स्टूडेंट्स देख लो
236 आ गया आपका, ये जीरो यहाँ पुट कर देना, इसको 240 जिसको काट करके आप लिखना 240। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपका ये आपका आ गया आंसर, यानी एक्स निकल के आ गया कितना 24,000। तो यही लिस्ट प्राइस था, दिस इज योर आंसर लिस्ट प्राइस ऑफ द बास्केट। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें इन्हीं बातों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।